हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का सेकंड टॉपिक, कंप्यूटर का उद्भव और विकास। तो दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। तो दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, बात करते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर दोस्तों मुख्य रूप से तीन प्रकार से किया गया है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर की पांच पीढ़ियां होती है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। इस प्रकार से दोस्तों हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम पीढ़ी की। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो आकार में काफ़ी बड़े थे, दूसरी पीढ़ी के उससे छोटे थे, तीसरी पीढ़ी के उससे और छोटे हो गए, चौथी पीढ़ी के और छोटे हो गए और सस्ते हो गए, और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर के कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो दोस्तों, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को तीन प्रकारों में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो भौतिक राशि की मात्रा को मापते हैं, डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो डिजिटल डेटा पर वर्क करते हैं, और जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं दोस्तों उनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं दोस्तों, इनका प्रयोग जो है बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में किया जाता है। ये इसमें एक केंद्रीयकृत कंप्यूटर होता है दोस्तों, और केंद्रीयकृत कंप्यूटर होता है दोस्तों जिस पर मल्टीपल यूजर्स मिलकर के कार्य कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे डम टर्मिनल जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि डम टर्मिनल क्या होता है। वह टर्मिनल जिस पर यूजर बैठकर कार्य करता है वो कोई सेवा देने में सक्षम नहीं होता है, डम टर्मिनल कहलाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस आकार में सबसे छोटे कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो वो होते हैं मिनी कंप्यूटर। इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो कंप्यूटरों का यूज़ किया गया है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों पाँचवें सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं दोस्तों, सॉरी चौथे सुपर कंप्यूटर जो होते हैं दोस्तों, ये आकार में सबसे बड़े होते हैं और ये सुपर इंटेलिजेंट डिवाइस होते हैं। इनका प्रयोग जो है बड़े बड़े कार्यों में किया जाता है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च में और अंतरिक्ष अनुसंधान में। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसमें स्विचिंग डिवाइस के रूप में निर्वात ट्यूब का यूज़ किया जाता था, जिन्हें वॉल्व भी कहा जाता था। यहाँ पे चित्र में निर्वात ट्यूब दी गई है दोस्तों, इसके अंदर हवा नहीं होती है। इसका उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस फैक्ट का मतलब यह है दोस्तों कि बहुत सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निर्वात ट्यूब का यूज़ जो है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, इसको बिल्कुल आपको रट लेना है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों सॉफ्टवेयर। सबसे पहले अब नेक्स्ट फैक्ट में हमको ये देखना है दोस्तों कि सेकेंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया। तो सेकेंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे दोस्तों, इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया। तो दोस्तों, मशीन लैंग्वेज जो होती है सीखने में काफ़ी कठिन होती है, इसमें जीरो और वन का प्रयोग किया जाता है। ये पहली जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे बाइनरी लैंग्वेज पर वर्क करते थे, और इनमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही कठिन कार्य था, और इसमें प्रोग्राम अगर आपने कर भी लिया है तो एरर का पता लगाना बहुत ही कठिन होता है दोस्तों। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, तो वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर का, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें कंप्यूटर की स्पीड की जो गणना थी दोस्तों वो मिली सेकेंड में की जाती थी। इसके बाद में इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को चलाना सभी के बस की बात नहीं थी, इसे सिर्फ वैज्ञानिक लोग प्रयोग करते थे। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे और बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग होते थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती थी। इनकी जो भंडारण क्षमता थी वह काफ़ी कम थी, इनकी गति भी कम थी। इसमें त्रुटि का पता लगाना बहुत ही कठिन कार्य था, और इसमें वैक्यूम ट्यूब का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था जो कि बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी। इन्हें ठंडा करने के लिए फ्रिज या रेफ्रिजरेटर का यूज़ किया जाता था, जिसके कारण ये कंप्यूटर काफ़ी खर्चीले हो जाते थे दोस्तों। मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये बताऊँगा दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत ही बड़ा था, जिसके कारण इन्हें चलाना बहुत ही मुश्किल कार्य था और बहुत ही खर्चीला था।
इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की। तो प्रथम पीढ़ी में मुख्य कंप्यूटर जो थे दोस्तों ईनियक जो था दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटेग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है दोस्तों। इसका आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जेपी अकर्ट व जॉन मुतली ने किया था। इसके बाद में हम बात करेंगे यूनिवेक की। तो यूनिवेक जो था पहला डिजिटल कंप्यूटर था और ईनियक जो था पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इनका जो विकास है वैज्ञानिकों ने किया था दोस्तों। इसके बाद में मार्क फर्स्ट की बात करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, 1952 में ग्रेस हापर द्वारा असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार कर प्रोग्राम लिखना चालू हुआ। लेकिन दोस्तों असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग जो है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जाता है दोस्तों कि असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग जो है वो सेकेंड जनरेशन में किया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों दूसरी पीढ़ी पे। तो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे दोस्तों वो प्रथम पीढ़ी से अधिक उन्नत थे, अधिक प्रभावी थे और अधिक कार्यशील थे और आकार भी इनका छोटा हो गया था क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह स्विचिंग डिवाइस के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तो जो ट्रांजिस्टर होती है दोस्तों वो हल्की और छोटी होती है और ट्रांजिस्टर मैं आपको बता दूं दोस्तों सेमीकंडक्टर डिवाइस से मिलकर बना होता है। आपने 12th फिजिक्स में पढ़ा होगा ट्रांजिस्टर जो होते हैं पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं जिसमें पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज सेमीकंडक्टर एलिमेंट का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर का डायग्राम आपको दिया हुआ है दोस्तों, एक कलेक्टर होता है, एक बेस होता है, एक इमीटर होता है जिसके बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर के उच्च स्तरीय असेंबली भाषा में तैयार किया गया, मतलब कि सेकेंड जनरेशन जो थी उसमें सारे कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते थे। असेंबली भाषा में नेमोनिक कोड्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखो दोस्तों नेमोनिक में एम साइलेंट होता है और इसके जो कोड होते हैं वो काफ़ी सरल होते हैं और इसमें सॉफ्टवेयर तैयार करना सरल कार्य होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डेटा एंड सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में इस पीढ़ी में मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया दोस्तों। तो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क दोनों का जो प्रयोग है वो किया गया दोस्तों। और प्रथम पीढ़ी में जो है वो पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डेटा एवं सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोसेस की गति को मापने के लिए दोस्तों माइक्रो सेकेंड में मापा जाता था। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो व्यवसाय और उद्योगों में कंप्यूटरों का प्रयोग प्रारंभ हुआ तथा इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों जो कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है और इसकी सहायता से हम जो है कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो कंप्यूटर को चलाने वाला प्रोग्राम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं जो मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों जिसमें बहुत सारी सिमिलर प्रोसेस को एक साथ प्रोसेस किया जाता है जिससे कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कोबोल की। तो नेक्स्ट फैक्ट है सेकेंड जनरेशन का दोस्तों कि सॉफ्टवेयर कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास किया गया दोस्तों। यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों फोर्ट्रॉन कोबोल का सेकेंड पीढ़ी में, बस इन लैंग्वेजेस का विकास किया गया। इनका प्रयोग जो है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या आप जानते हैं ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 की बेल लेबोरेटरी जो है दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट किया गया। C++ ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनका आविष्कार अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में किया गया। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बार्डिन और विलियम साकले तथा वाल्टर ब्रेटेन ने किया। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों ट्रांजिस्टर जो होता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं ये दोनों अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर एलिमेंट होते हैं और यह प्रकृति में पाए जाते हैं। और यह जो होते हैं इनकी आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि ट्रांजिस्टर के को सेमीकंडक्टर से ही क्यों बनाया गया, सोना चांदी से क्यों नहीं बनाया गया। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं तो कंप्यूटर का सर्किट गर्म हो जाता है जिसके कारण आपने पढ़ा होगा दोस्तों ओम के नियम में बताया गया है कि जब किसी तार से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है और जब टेम्परेचर बढ़ता है दोस्तों तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाता है। लेकिन ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी जो होती है दोस्तों वो ये होती है दोस्तों कि ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें अगर वो गर्म होता है तो उसकी चालकता बढ़ती है।
क्योंकि उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं दोस्तों, तो इसीलिए सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होती है वो अर्धचालक से बनी होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की। तो तृतीय पीढ़ी में दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें ना तो वो बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ किया गया, ना तो मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया। दोस्तों मशीन लैंग्वेज को ही बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। इसमें ना तो मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया, ना असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया, बल्कि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया जो सीखने में काफ़ी सरल होती है और समझने में इजी होती है, और कंप्यूटर इसे इजीली प्रोसेस कर लेता है। इसमें प्रोग्राम बनाना सरल होता है, इसमें छोटे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों तीसरी पीढ़ी में जो स्विचिंग डिवाइस यूज़ की गई उसमें ट्रांजिस्टर हट गया था और इसकी जगह पर आईसी आ गई थी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और तृतीय पीढ़ी में जो आईसी का यूज़ किया गया उसका नाम है एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और इसी के बाद में दोस्तों एमएसआई अर्थात मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का भी प्रयोग किया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो इनपुट एवं आउटपुट उपकरण के रूप में कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग प्रारंभ हुआ और कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया गया। तो दोस्तों कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट डिवाइस होती है और मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट होता है दोस्तों मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का विकास हुआ और रैम की गति के कारण कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई। तो दोस्तों पहले कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप ही यूज़ की जाती थी, लेकिन तृतीय पीढ़ी से रैम का भी प्रयोग हुआ, फोर्ट्रॉन भाषा का भी प्रयोग हुआ, फार्मूला ट्रांसलेशन का भी प्रयोग हुआ और हाई लेवल लैंग्वेज का भी प्रयोग हुआ। तो तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का विकास हुआ। इसके बाद में हम बात करेंगे कंप्यूटर की गणना। तो कंप्यूटर की जो स्पीड की गणना है दोस्तों वो नैनो सेकंड में प्रारंभ हो गई, यानी कि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई। इसके बाद में कंप्यूटर का व्यक्तिगत रूप से भी उपयोग बढ़ गया और इसी तीसरी पीढ़ी में दोस्तों कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आई बेसिक, जिसका कि फुल फॉर्म कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आता है। इसका पूरा नाम बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रयोग किया गया। तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रयोग किया गया और तृतीय में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री भी प्रारंभ हो गई। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाने का काम IBM और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ले लिया। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे जाते हैं। 1965 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर डेवलप किया गया जिसका नाम था PDP-8। इसके बाद में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको, कि आईसी का आविष्कार जेएस किल्वी ने किया तथा रॉबर्ट नोई ने किया, लेकिन इसमें सर्वाधिक योगदान जेएस किल्वी का था और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ऑप्शन में इसी का नाम देता है दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों सिलिकॉन की सतह पर बनी इस प्रौद्योगिकी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जाना जाता है और ये सिलिकॉन जैसे पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों चौथी पीढ़ी की। तो चौथी पीढ़ी इसीलिए फेमस है दोस्तों क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ। दोस्तों चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ, इसीलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर का युग भी कहा जाता है। इसमें LSI और BLSI जैसी माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ दोस्तों। तो इसमें LSI का पूरा नाम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और BLSI का पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड की। तो इसमें समय की गणना जो है पीको सेकेंड में की जाती है, जिसकी वैल्यू 1 pico second = 10^-12 second होती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से कंप्यूटर का जो उपयोग है काफ़ी छोटा हो गया, लैपटॉप जैसी डिवाइसेस इन्वेंट की गई। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है दोस्तों मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे और टास्किंग का मतलब होता है कार्य करना। तो बहुत सारे कार्यों को हम कर सकते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का विकास जो है ME Hopp ने 1971 में किया था। इसे व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास हुआ, यानी पर्सनल कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है वो चौथी पीढ़ी में किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों चुंबकीय डिस्क और मैग्नेटिक टेप का स्थान जो है वो रैम ने ले लिया, जिससे कंप्यूटर की कार्य क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई। इसके बाद में चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में पैरेलल कंप्यूटिंग का भी प्रयोग हुआ, मतलब कि बहुत सारे प्रोसेसर को समांतर क्रम में जोड़ा गया और कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाया गया। इसके बाद में हम अपने कंप्यूटर के नेक्स्ट फैक्ट पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट फैक्ट आपका दिया हुआ है सॉफ्टवेयर में GUI का विकास किया गया। GUI का मतलब होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि चित्रों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS और
इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1981 में IBM ने पर्सनल कंप्यूटर का विकास किया और GUI का भी विकास किया गया और विंडोज MS DOS का भी विकास किया गया। MS DOS जो होता है दोस्तों ये एक कमांड पर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें कोई चित्र नहीं होते हैं, इसमें हमें कमांड टाइप करना पड़ता है। और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का भी आविष्कार किया गया। इसके बाद में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया दोस्तों। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है दोस्तों, इसका जो डेवलपमेंट है अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में डेनिस रिची द्वारा 1972 में किया गया। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लैंग्वेज को कहा जाता है, तो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी भाषा को कहा जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे और सरल प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों रोचक तथ्यों की। तो मूर के नियम के अनुसार प्रत्येक 18 माह में चिप के उपकरणों की संख्या दुगुनी हो जाती है और ULSI में एक चिप पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पर जा रहे हैं, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे दोस्तों, ये काफ़ी एडवांस थे और इनका प्रयोग जो है दोस्तों वर्तमान समय में चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा माइक्रो प्रोसेसर की। तो पांचवी पीढ़ी में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें इसे उपयोग करना बहुत सरल होता है, इससे कंप्यूटर के आकार काफ़ी छोटा हो गया और मल्टीमीडिया तथा एनिमेशन का यूज़ भी प्रारंभ हो गया और कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के लिए, इंटरनेट के लिए किया जाने लगा। इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के विकास ने सूचनाओं के आदान प्रदान तथा एक दूसरे से संपर्क बनाने के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव किया। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों भंडारण के लिए क्या किया। इसके बाद मैं बताऊंगा दोस्तों आपको पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर काफ़ी एडवांस थे और वर्तमान समय में प्रयोग हो रहे हैं। इसमें कंप्यूटर में इंटरनेट, एनिमेशन और मल्टीमीडिया का विकास किया गया। इसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इंटरनेट में सोशल मीडिया के विकास ने सूचना के आदान प्रदान में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इसका मतलब यह है दोस्तों कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वो डेटा कम्युनिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम अभी अपने दोस्तों को लाइव चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों भंडारण की। तो भंडारण के बारे में आपको बता रहा था, भंडारण जो होता है पांचवी पीढ़ी में बहुत सारे भंडारण की डिवाइसें आ गई, बहुत सारी मेमोरी आ गई, CD DVD और ROM का विकास हुआ। इसके साथ में दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ किया गया, जिससे कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाया गया। और इसी तरह दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर का निर्माण किया गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेसर को जोड़ करके कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाया जाता है और वो लाखों करोड़ों गणनाएं एक सेकेंड में कर सकता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जितनी भी बड़ी बड़ी लेबोरेटरी होती है वहाँ पर पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और नेटवर्किंग के क्षेत्र में ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी की दोस्तों। तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन हाईवे की अवधारणा का विकास किया। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता। पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया था दोस्तों, जिसमें रोबोटिक्स निर्माण, एक्सपर्ट सिस्टम, गेम प्लेइंग और बहुत सारी नए कॉन्सेप्ट आए दोस्तों। और साथ में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का भी कॉन्सेप्ट आया और बहुत सारा फजी लॉजिक का भी कॉन्सेप्ट आया, जिसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों स्पेस रिकॉग्निशन की। जो वर्तमान समय में आप जो है दोस्तों जियो का फ़ोन यूज़ करते होंगे तो आप गूगल असिस्टेंट का यूज़ करते होंगे, उसमें स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम होता है दोस्तों। तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करके डेवलप किया गया है। तो ये विशेषता पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में है, इसके पहले के जनरेशंस में ये विशेषताएं नहीं थी दोस्तों। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर की पीढ़ियों में किस पीढ़ी में आया। तो आपको इसको बिल्कुल 100% रट लेना है दोस्तों, पांचवी पीढ़ी में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों रोचक तथ्य। तो आलू के चिप्स के आकार के आधार पर इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप कहा जाता है। तो चिप का मतलब होता है दोस्तों पतली पपड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ियों का चार्ट। तो सबसे पहले हम चार्ट के माध्यम से दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ियों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी जो होती है दोस्तों 1942 से 1955 तक है। इसमें स्विचिंग डिवाइस निर्वात ट्यूब का यूज़ किया गया और इसमें बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ किया गया और स्टोरेज के लिए पंच कार्ड और गणना जो है मिली सेकंड में की जाती है। इसका उपयोग वैज्ञानिक और रक्षा प्रयोग में किया गया। विशेषताएं विद्युत और यांत्रिक मशीन, मतलब कि विद्युत से चलती थी और मैकेनिकल डिवाइसेस थी। इसके प्रमुख कंप्यूटर थे ENIAC, EDVAC और UNIVAC। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि पहली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी थी। तो पहली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ENIAC थी। दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी थी, तो दूसरी डिजिटल डिवाइस थी, पहली डिजिटल डिवाइस थी UNIVAC और पहली इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइस थी ABC कंप्यूटर, एटानास ऑफ पेरी कंप्यूटर।
इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों दूसरी पीढ़ी की। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे होगा, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, इसमें उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया गया, लेकिन दोस्तों इसमें उच्च स्तरीय भाषाओं का डेवलपमेंट किया गया था, सिर्फ असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इसमें मैग्नेटिक टेप आ गई थी और कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकेंड में मापा जाने लगा। इसका भी प्रयोग जो है वैज्ञानिक कार्यों के लिए और व्यावसायिक उपयोगों के लिए किया गया और कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता और मेमोरी में वृद्धि की गई। इसके प्रमुख कंप्यूटर है दोस्तों IBM और यूनिवेक और PDP-8। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की। तो दोस्तों ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि तृतीय पीढ़ी में कौन सी स्विचिंग डिवाइस यूज की गई, तो वो थी दोस्तों IC और इसमें कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया और चुंबकीय भंडारण की क्षमता में वृद्धि हुई, मतलब कि मैग्नेटिक स्टोरेज को एक्सपांड किया गया। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इसकी स्पीड मापने की, तो इसमें नैनो सेकंड में मापा जाता है। इसके बाद में कंप्यूटर के क्षेत्र में इसका उपयोग व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया गया और इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बिक्री बढ़ गई। IBM कंपनी ने उनका डेवलपमेंट चालू कर दिया और कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग प्रारंभ हो गया। इसके महत्वपूर्ण कंप्यूटर है दोस्तों IBM और PDP-11। ये कंप्यूटर दोस्तों प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटे थे और सस्ते थे। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी और पाँचवीं पीढ़ी की। तो चौथी पीढ़ी में दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया, लेकिन पाँचवीं पीढ़ी में एडवांस माइक्रो प्रोसेसर अर्थात LSI और SLSI का प्रयोग किया गया दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे चौथी पीढ़ी की। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया और ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स का यूज़ किया गया दोस्तों। इसमें सी भाषा का प्रयोग किया गया और इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी अर्थात आपकी रेम रोम बहुत ज़्यादा यूज़ हुई। इसमें कंप्यूटर की गति को पिकोसेकंड में मापा जाता है और इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इसका प्रयोग जो है कंप्यूटर के व्यावसायिक क्षेत्रों में किया गया। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इसमें एक साथ कई कार्यों को करने की क्षमता होती है और इसके प्रमुख कंप्यूटर हैं IBM PC और Apple PC। ये अपेक्षाकृत अधिक छोटे और पोर्टेबल होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की। तो पांचवी पीढ़ी का समयकाल 1990 से अब तक है। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं दोस्तों ये काफ़ी एडवांस हो चुके थे। इसमें इंटरनेट मल्टीमीडिया और पैरेलल प्रोसेसिंग की शुरुआत हो चुकी थी। इसमें ऑप्टिकल स्टोरेज, वर्चुअल मेमोरी और विशाल भंडारण क्षमता का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इसमें जो कंप्यूटर थे इसमें इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा मनोरंजन किया जाता है और प्लग एंड प्ले डिवाइसेस का यूज़ किया गया। तो दोस्तों प्लग एंड प्ले डिवाइसेस का मतलब होता है जब आप इसमें पेन ड्राइव लगाते हैं तो प्लग हो जाती है वो और उसे आप प्ले कर सकते हैं और गाने चला सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं। ये काफ़ी छोटे थे और काफ़ी अच्छे थे। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे की पीढ़ी के कंप्यूटर। तो आने वाला जो युग है दोस्तों वो पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत होगा। आने वाले समय में पूरी दुनिया कंप्यूटरीकृत हो जाएगी दोस्तों और भारतीय लोग और विदेशी लोग और सारी दुनिया कंप्यूटरों पर डिपेंड हो जाएगी दोस्तों। तो नैनो कंप्यूटर जो होते हैं दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नैनो कंप्यूटरों की विशेषता होती है कि वो 1/10 पे 9 सेकेंड में गणना करने में कैपेबल होते हैं। ये कंप्यूटर दोस्तों इतने तेज होते हैं कि 1 सेकेंड में अरबों गणनाएं कर सकते हैं दोस्तों। 1/10^9 का मतलब होता है 1/1 अरब। इसका मतलब कि 1 सेकेंड में एक अरब गणना करने में ये सक्षम होते हैं दोस्तों। तो ये कंप्यूटर काफ़ी एडवांस होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इन कंप्यूटरों में नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की आणविक संरचना का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में जो आने वाले कंप्यूटर होंगे दोस्तों वो कहलाएंगे क्वांटम कंप्यूटर। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, लाइट एक एनर्जी होती है जो कि फोटोन से मिलकर बनी होती है, वैसा ही एक छोटा सा कण होता है जिसे क्वांटम कहा जाता है और इसका उपयोग किया जाएगा इसमें। और ये कंप्यूटर दोस्तों मानव के दिमाग से भी कई गुना तेज गति से कार्य कर पाएंगे। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं वो क्वांटम बिट में इसकी स्पीड को मापा जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों DNA कंप्यूटर की। तो DNA का आपने नाम सुना होगा दोस्तों। DNA जो होता है दोस्तों वो मनुष्य के शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। DNA में दोस्तों डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों। तो यह दोस्तों मनुष्य के अंदर पाया जाता है दोस्तों ब्लड सेल्स में, और DNA के कारण ही दोस्तों मनुष्य में हायरार्किकल कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है, मतलब कि पिताजी के गुण बेटे में जाते हैं।
तो डीएनए कंप्यूटर जो होगा दोस्तों, इसमें जैविक पदार्थ डीएनए या प्रोटीन का प्रयोग कर डेटा को संरक्षित किया जाएगा, इसीलिए इसे बायोलॉजिकल या बायो कंप्यूटर भी कहा जाएगा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों केमिकल कंप्यूटर की। तो केमिकल कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, केमिकल में मतलब नाम से ही लिखा हुआ है दोस्तों कि ये रासायनिक कंप्यूटर होगा जो रासायनिक गुणों व सांद्रता का उपयोग किया जा सकेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो मैं इनके बारे में आपको पिछले वीडियोस में डिटेल में बता चुका हूं दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार। तो आकार के आधार पर दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सबसे छोटे कंप्यूटर की। सबसे छोटा कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। और यहाँ पर दिया हुआ है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स को पैरेलल क्रम में जमाया जाता है ताकि कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके। और इन कंप्यूटर का उपयोग दोस्तों बड़ी बड़ी संस्थाओं में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इसरो में किया जाता है दोस्तों। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों मिनी कंप्यूटर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों कि मिनी कंप्यूटर जो होते हैं ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका उपयोग यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी और अनुसंधान में किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे कंप्यूटर होते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर, जिसमें किसी मशीन के अंदर चिप लगाई जाती है और उसमें किसी प्रोग्राम को स्टोर करके उस एम्बेडेड कंप्यूटर को चलाया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज़ किया जाता है और माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप करने के पीछे IBM कंपनी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। ये वही कंपनी है जिसे हरमन हॉलिरथ ने संस्थापित किया था और इस कंपनी का पुराना नाम टेबुलेटिंग मशीन कंपनी था, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि IBM कंपनी का पुराना नाम क्या था। तो IBM कंपनी का पुराना नाम दोस्तों टेबुलेटिंग मशीन कंपनी था। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर के रोचक तथ्य की। तो कंप्यूटर का रोचक तथ्य है कंप्यूटर के निर्माण क्षेत्र में अग्रणी होने के कारण भारत के बेंगलोर शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है और विश्व की सिलिकॉन वैली दोस्तों अमेरिका का शहर सैन फ्रांसिस्को था, यानी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर की। तो पर्सनल कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था, उसका नाम है सिद्धार्थ। और आप जो घर पे कंप्यूटर यूज़ करते हैं जो आपका पर्सनल होता है उसे ही पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों। दुनिया में बहुत सारी पर्सनल कंप्यूटर को बनाने वाली कंपनियाँ जैसे IBM, लेनोवो, एप्पल, कॉम्पैक, जेनिथ, HCL और HP। इसमें दोस्तों HP का फुल फॉर्म कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका पूरा नाम हेवलेट पैकवर्ड होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वर्क स्टेशन ऐसा कंप्यूटर होता है दोस्तों जिसका प्रयोग बड़े बड़े वर्क स्टेशनों में किया जाता है। वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों नोटबुक या लैपटॉप। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं लैपटॉप को लैपटॉप क्यों कहा जाता है। लैपटॉप दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, लैप प्लस टॉप। लैप का मतलब होता है दोस्तों गोद और टैप का मतलब होता है टॉप, मतलब होता है ऊपर। तो इसे गोद के ऊपर रखकर हम चला सकते हैं, इसीलिए इसे लेपी या लैपटॉप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो लैपटॉप जो होता है काफ़ी पोर्टेबल होता है, इसे लेकर के हम कहीं भी जा सकते हैं और गोद पर रखकर चला सकते हैं। लैपटॉप का विकास जो है दोस्तों एडम ऑस्बर्न द्वारा 1981 में किया गया दोस्तों। इसको बिल्कुल आपको रट लेना है दोस्तों कि लैपटॉप का विकास एडम ऑस्बर्न ने किया था। इस पे आप टच पैड का यूज़ कर सकते हैं और हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव और अन्य पोर्ट इसमें बने हुए होते हैं। इसमें बैटरी का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो बैटरी यूज़ की जाती है दोस्तों वो लिथियम बैटरी होती है। लिथियम के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें हम वाईफाई और ब्लूटूथ जैसे इंटरनेट एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नोटबुक की। तो नोटबुक जो होता है दोस्तों यह भी एक प्रकार का कंप्यूटर होता है। वर्तमान समय में डिजिटल क्लासेस चालू हो चुकी है दोस्तों और जो नोटबुक होती है दोस्तों यह काफ़ी पोर्टेबल होती है, काफ़ी छोटी होती है और इसे नोटबुक इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि हम इसे लेकर कहीं भी जा सकते हैं और अपनी इंपॉर्टेंट नोट्स को और अपनी जानकारियों को तुरंत इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों टैबलेट की। तो टैबलेट क्या होता है दोस्तों? टैबलेट कंप्यूटर जो होता है, इसे टैबलेट इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये लैपटॉप का छोटा पार्ट होता है, छोटा भाग होता है, ये छोटा
प्रकार होता है। तो टैबलेट जो होता है दोस्तों, इसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है और इसे वायरलेस नेटवर्क के द्वारा इंटरनेट से जोड़कर स्मार्टफोन की तरह इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पॉम टॉप की। तो पॉम टॉप को पॉम टॉप इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसे हथेली पर रखकर चलाया जाता है, और पॉम का मतलब होता है दोस्तों हथेली और टॉप का मतलब होता है ऊपर। तो जैसे हम जो जितने भी मोबाइल यूज़ करते हैं दोस्तों, ये सभी पॉम टॉप होते हैं क्योंकि इन्हें हम हथेली से चलाते हैं, हाथों से चलाते हैं, हाथ पर रख कर चलाते हैं, और ये एक प्रकार के PDA कहलाते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, मतलब कि व्यक्तिगत अंकीय सहायक। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, व्यक्ति स्मार्ट हो ना हो लेकिन उसके पास स्मार्टफोन जरूर होता है दोस्तों। तो बात करते हैं हम स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन जो है दोस्तों वर्तमान समय में विश्व में प्रयोग किए जाने वाली वाइडली यूज्ड टेक्नोलॉजी है दोस्तों। तो स्मार्टफोन जो होते हैं दोस्तों, स्मार्टफोन जो होते हैं वो एक प्रकार का मोबाइल फ़ोन होता है जिसमें सारी विशेषताएं होती है, जो लैपटॉप में जो जो भी फीचर होते हैं वो आपके स्मार्टफोन में भी होते हैं। और स्मार्टफोन जो होता है दोस्तों, इसे हैंडहेल्ड डिवाइस कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसे हाथ से चलाया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों लैपटॉप की। दोस्तों एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, विश्व का जो पहला मोबाइल है उसे मोटोरोला कंपनी ने बनाया था, इस फैक्ट को आपको याद रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों लैपटॉप, नोटबुक, नेटबुक, टैबलेट और PDA में अंतर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, लैपटॉप डेस्कटॉप और कंप्यूटर का, लैपटॉप जो है दोस्तों वो डेस्कटॉप कंप्यूटर का मोबाइल संस्करण है और मोबाइल जो है वो लैपटॉप का छोटा संस्करण है। इस तरह दोस्तों इसमें कीबोर्ड, माउस और स्पीकर का एक साथ यूज़ किया जाता है डेस्कटॉप में, लेकिन लैपटॉप में ये सभी कंबाइन होते हैं और मोबाइल में ये सभी फीचर स्क्रीन पर ही अवेलेबल होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सुपर कंप्यूटर की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों और वीडियो पे बने रहना है, और आगे हम आपको बहुत ही कॉम्पिटिशन एग्जाम की काम की चीज़ बताने वाले हैं दोस्तों। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ये आकार में सबसे बड़े होते हैं, सबसे तेज होते हैं और इस पर मल्टी यूज़र काम कर सकते हैं, और विश्व में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर जो था दोस्तों उसका नाम है विश्व में जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम है क्रे के फर्स्ट। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है दोस्तों क्रे के फर्स्ट, जो कि कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों सुपर कंप्यूटर की जो गति है उसे फ्लॉप्स में मापा जाता है, जिसका पूरा नाम फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड होता है। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर है, भारत में सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में जो योगदान है सबसे ज़्यादा डॉक्टर विजय भास्कर का है, और उन्हें सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन भारत में सुपर कंप्यूटरों को डेवलप करने का जो सर्वाधिक योगदान है वो सीडेक पुणे का है। सीडेक पुणे ने दोस्तों सबसे पहले भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था दोस्तों परम 8000, और ये परम सीरीज का पहला कंप्यूटर था जिसे सीडेक पुणे ने बनाया था। इसके बाद में जो दूसरा कंप्यूटर आया था दोस्तों परम जो 8000 आया था दोस्तों, ये 1991 में आया था, जो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1991 होगी, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ से याद रख सकते हैं दोस्तों कि परम जो है जब वो पैदा हुए तब आया। तो दोस्तों 1991 में आया, मतलब 29 साल पहले भारत ने सुपर कंप्यूटर बना चुका है दोस्तों। भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे तक जा चुका है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों परम सीरीज का जो अगला कंप्यूटर है दोस्तों परम पदम, इसे दोस्तों 2003 में डेवलप किया गया, और परम पदम कंप्यूटर जो है दोस्तों वो परम 8000 से एडवांस था। इसकी जो गणना क्षमता थी दोस्तों इसे टेरा फ्लॉप्स में मापा गया। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में जो फिर नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर परम के द्वारा बनाया गया वो दोस्तों परम युवा सेकेंड था। परम युवा सेकेंड था दोस्तों जो 2013 में डेवलप किया गया, ये लास्ट में दिया हुआ है दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं परम युवा सेकेंड, जो कि रिसेंट में सीडेक द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों अनुपम, ये दोस्तों भारत का सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर है, वर्तमान में भारत का सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर है परम अनुपम। अनुपम को दोस्तों सीडेक पुणे ने नहीं बनाया, इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मतलब BARC ने बनाया है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों इसका प्रयोग जो है DRDO
के लिए किया गया है। डीआरडीओ जो है दोस्तों हमारे देश की एक बहुत ही अग्रणी एजेंसी है जो कि डिफेंस के क्षेत्र में कार्य करती है, जिसका पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जिसको आपको बिल्कुल रट लेना है कि आईबीएम कंपनी के डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया था। तो गैरी कास्पारोव जो थे दोस्तों वो शतरंज के विश्व चैंपियन थे। इस तरह दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कंप्यूटर भारत के सुपर कंप्यूटर को फ्लो सॉल्वर का विकास नाल के द्वारा किया गया दोस्तों। नाल एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, नेशनल एरोनॉटिकल लैब, मतलब कि राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लैब, ये बेंगलोर में है दोस्तों। 1980 में यहाँ पे फ्लो सॉल्वर नामक सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया गया। तो भारत में दोस्तों परम सीरीज के 3 कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर अनुपम सीरीज का 1 है और फ्लो सॉल्वर, यानी 5 सुपर कंप्यूटर भारत डेवलप कर चुका है दोस्तों। तो इस तरह से मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मैं था आपके साथ आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। थैंक यू दोस्तों।